सर्वे, इंडिया टुडे का सर्वे, बाकी चैनल्स के भी मैं देख रहा हूं, तो कांग्रेस विन कर रही है। कहां है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में आ जाती है। डराती है, कहती है हिंदू को मुसलमान बना देंगे। कभी हिंदू मुसलमान बनाए क्या? हिंदू इतनी कमजोर कौम है? हिंदू या मुसलमान दोनों बरसों से यहां पर रह रहे हैं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। इतना कमजोर कर देती है हिंदू को बीजेपी, हिंदू का जो सनातन धर्म है उसको ही डाउन कर देती है। बिल्कुल पापी है बीजेपी के लोग, सनातन धर्म को मानने वालों को इतना कमजोर और कायर बताती है बीजेपी। कौन है बीजेपी कायर बता? मैं सनातन धर्म को मानने वाला भगवान राम का वंशज हूं, मैं नहीं डरता किसी से। मेरा धर्म परिवर्तन कौन कर देगा? ना तो मुसलमान हिंदू का धर्म परिवर्तन कर रहा है, ना हिंदू मुसलमान का धर्म परिवर्तन कर रहा है। अरे धर्म परिवर्तन तो बीजेपी का हो रहा है, इन पापियों का। ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं, इनको तो बैन करना चाहिए हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार इनकी है। ये तो भलाओ इनका, पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का, इन्होंने उस जमाने में भी कानून बना देती कि धर्म का बीच में प्रवेश इंटरफेयर ही नहीं होगा, तो इनकी हवा निकल जाती, कभी पावर में नहीं आती इस देश में। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है एग्जिट पोल में, हम आगे आ रहे हैं राजस्थान में। माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो, एक ही दिन नारे लगा लगा कर चीख चिल्ला चिल्ला कर। तो जय सियाराम का नारा तो हम भी लगाते हैं, ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना है, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, कौन बता रहा है? एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं मध्य प्रदेश में, मैंने अभी मैं और देख लूंगा। राजस्थान में तो कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। अब कई अलग अलग होंगे, मैंने जो सर्वे देखे हैं उनमें कांग्रेस आगे है, अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। हम तो पूर्ण बहुमत लाएंगे, 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे आराम। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।